पौड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर हावी पड़ रही है, यह बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यहां बीजेपी तानाशाही से लोकतंत्र को कुचल रही है, इसलिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। पूरे कांग्रेस की उज्जवल भविष्य सद में हो चाहे संसद से बाहर हो, सच्चाई बयां की है। इस देश की राजनीतिक हालात जो कि सरकार और कॉरपोरेट के गठबंधन से संबंधित है, राहुल गांधी जी ने बहुत ही विनम्र शब्दों में सरकार से सिर्फ ये बात पूछी कि 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के द्वारा जो अडानी जी के खातों में आया और जिनको की ये भी जानकारी मिली है कि वो रक्षा कारोबार से संबंधित कंपनियाँ हैं, क्या सरकार बताएगी कि ये पैसे किसके हैं? राहुल गांधी जी ने ये पूछा कि क्या सरकार ये बताएगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी बार विदेश यात्राओं में गए, अडानी जी कितने बार उन्हीं जहाज़ों से विदेश यात्रा उनके साथ गए, कितने बार दूसरे जहाज़ों से उसी समय उसी देश में जिन जिन देशों की यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की उन्हीं देशों में गए, और कितने ऐसे देश हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट वापस अडानी को मिले उस दौरान। तो राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट पूछा है कि भाई ये लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी अगर विदेश जा रहे हैं तो देश हित में जा रहे हैं, ये नहीं लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी अगर विदेश जा रहे हैं तो अडानी जी के हित में जा रहे हैं। अडानी जी के मंत्री बनकर अगर विदेश जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो ये देश के लिए सोचनी विषय।